डियर चिल्ड्रेन, आज हम लोग 2016 में जो पूछे गए हैं एक्टिव पैसिव वॉइस और इसके पहले भी उनको पढ़ेंगे। आइए समझते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इस सेंटेंस को हम अगर लेट वाला फार्मूला यूज़ करते हैं तो लेट ऑब्जेक्ट है, एक ग्लास ऑफ वाटर पूरा आपको लेना है, और इसके बाद में बी जो फार्मूला में सेट है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रॉट लगा के फुल स्टॉप लगाना है। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, अगर हम इसको पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये दोनों ही, जो भी आपको इजी लगे, दोनों ही तरीके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए, प्लीज़ कीप टू द लेफ्ट, लेकिन इस सेंटेंस में जो पैसिव बनाना ही इम्परेटिव है तो प्लीज़ को यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल कर, प्लीज़ को बदल कर और कीप टू द लेफ्ट जो कहते हैं लिखना है। हु राइट्स अ लेटर, सेंटेंस पहचानना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, हु सब्जेक्ट है, यहाँ पे ए लेटर ऑब्जेक्ट है। तो ये क्वेश्चन मार्क होने के वजह से इसको हु का ऑब्जेक्ट टू हुम होता है, तो उससे पहले बाई लगा के इसको लिखकर और फिर नया सब्जेक्ट लेकर आए अ लेटर, उसके अकॉर्डिंग इज क्रिया का प्रयोग किया है और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसके बाद में ही नोज मी वेल, तो देखें किस प्रकार से करना है। आई एम वेल नोन, वेल अब यहाँ आ गया, फिर नो की थर्ड फॉर्म नो यहाँ लगाई, और नो के बाद में हमेशा टू ही लगाना है और ही का ऑब्जेक्ट हिम लिखना है, अर्थात ही का ऑब्जेक्ट हिम लिखने से पहले जो अभी मैंने बताया पैसिव वॉइस में बाई लगता है, लेकिन नो के साथ में टू ही लगाना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। फिर देखें रीता कैन नॉट डू दिस वर्क, तो सिंपल वाक्य है, जब आपकी जो ये वर्ब्स होती हैं कैन कुड विल वुड, तो इनके साथ पैसिव वॉइस बनाने के लिए इनके साथ कैन बी जोड़ देते हैं, अगर नॉट है तो कैन बी के बीच में नॉट को रखना है, और बाकी नियम सेम टू सेम वैसे ही चलने हैं। तो ऑब्जेक्ट दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाई रीता। 2015 पूछा गया प्लीज पुट द बुक ऑन द टेबल, सेम फार्मूला लगाना है, प्लीज को बदल दिए यू आर रिक्वेस्टेड टू पुट द बुक ऑन द टेबल, समझ लें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस प्रकार का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। डिड रामू किल द टाइगर, तो डिड हम पहचान लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो द टाइगर सिंगुलर है तो उसके अनुसार वॉज ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आगे ही रखना है, और किल की थर्ड फॉर्म किल्ड बाय रामू, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। फिर द टीचर बीट द मिस्चीवियस बॉय, अब देखें कि अब ये बीट जो वर्ब है ये इसकी बीट की फर्स्ट सेकेंड दोनों फॉर्म एक सी होती हैं और थर्ड फॉर्म बीटन होती है, तो अगर यहाँ टीचर सिंगलर सब्जेक्ट है, अगर यहाँ बीट्स होता तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, लेकिन ये बीट्स नहीं है, अर्थात ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, तो वर्ब का सिलेक्शन करने के लिए बहुत ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। तो द मिस्चीवियस बॉय वॉज बीटन, यहाँ पे इज नहीं होगा, वॉज होगा, क्योंकि ये सेंटेंस यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि सिंगलर सब्जेक्ट के साथ में बीट क्रिया है, इसका एस ई एस नहीं लगा है। तो इस सेंटेंस आपने समझ लिया है। और द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, तो ये सेंटेंस फाउंड जो आपकी क्रिया है पास्ट इंडेफिनिट की है, तो द प्रिजनर वॉज फाउंड गिल्टी बाय द जज। मिस्टर जेसलर नेवर कम्प्रोमाइज क्वालिटी, तो क्वालिटी वॉज नेवर कम्प्रोमाइज बाय मिस्टर जेसलर, ही सेटिस्फाइड एवरीबडी, तो एवरीबडी वॉज सेटिस्फाइड विद हिम। तो ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस अधिक पूछे जाते हैं, इनको तैयार कर लें। 2014 में इम्परेटिव सेंटेंस ही पूछे गए अक्सर, हेल्प हिम, तो इसमें लेट हिम बी हेल्प, ये पहला फार्मूला है, और दूसरा जैसे मैं इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, आप उसको भी देख लें, और वैसे अगर आप करना चाहते हैं हेल्प हिम तो ये आपको एडवाइस दिख रही है, तो यू आर, ये दूसरा तरीका आपका ये भी हो सकता है, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प हिम, यहाँ पे थर्ड फॉर्म इसकी हेल्प की थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है, इस प्रकार से अगर बनाते हैं तो। और इसके बाद में पढ़ें योर हेल्थ वरीज मी, तो वरी आई एम वरीड है ना, वरी की थर्ड फॉर्म वरीड, तो इसके बाद में बाई नहीं आएगा, क्या आएगा अबाउट आएगा, तो इन क्रियाओं को याद कर लें कि किन के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन फिक्स रहता है, बाई नहीं आएगा।
ही टीचेज मी इंग्लिश, यही बहुत सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का सेंटेंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो आई एम टॉट इंग्लिश बाई हिम। ये सेंटेंस भी आपका दोनों तरीके से बन सकता है अगर हम इंग्लिश को उठाते हैं, लेकिन सिंपल वे में आपको यही सेंटेंस आपको सीखना है अभी। प्लीज वॉक ऑन द राइट, प्लीज यू आर रिक्वेस्ट टू में बदल दिया, वॉक ऑन द राइट सेम टू सेम लिख दिया। लीव द रूम, तो लेट द रूम बी लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, और इसमें वही फॉर्मूला यूज किया जा सकता था अगर ये ऑर्डर है, तो यहाँ क्या होगा यू आर ऑर्डर टू लेफ्ट टू लीव द रूम, इस प्रकार से भी किया जा सकता है। ही रीड्स दिस बुक, तो दिस बुक इज रीड बाई हिम। तो हेल्प में वर्क का सिलेक्शन बहुत सोच समझ कर करना है। डू दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन, हु बीट यू, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल समझाया था इससे पहले बीट वाला, सेम टू सेम वही एग्जाम्पल उसी प्रकार से है, लेकिन केवल ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसे बनाना है। तो हु का ऑब्जेक्ट, By whom कर लिया, you नया सब्जेक्ट आया इसके अकॉर्डिंग बर का प्रयोग किया गया और बीट की थर्ड फॉर्म बीटन किया गया। यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ हु, बस ये सब्जेक्ट हु है, जैसे सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है, तो यहाँ बस अगर ये प्लेन इंडेफिनिट होता तो हु बीट्स होता, लेकिन यहाँ बीट है तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट बार बार आ रहा है। शी रोट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी वॉज रिटन बाई हर, सी का ऑब्जेक्ट हर, आप देख लें समझ लें और इनको बहुत अच्छे से समझें। ही इज कॉलिंग मी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, आई के अकॉर्डिंग एम आएगा, और बींग इसकी आई एन जी बींग में फिट की, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल लगाई, और ही के ऑब्जेक्ट हिम से पहले बाई का प्रयोग कर लिया। द बॉयज आर प्लेइंग अ मैच, वैसे उसी प्रकार से मैच इज बींग प्लेड बाय द बॉयज। स्टूडेंट्स आगे के सारे बोर्ड एग्जाम से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नोत्तरी पढ़ने के लिए जन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।